Now next example again based on array and pointer expressions. इस केस में specially specify किया only pointer expressions. इस केस में check करेंगे working of macro functions fp underscore seg stands for far pointer segment same as fp underscore OFF इसका मीनिंग क्या है जस्ट फार पॉइंटर ऑफसेट जनरली मैंने आपको बताया था जब भी किसी वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म होता है तो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ऑलवेज टू टाइप्स के एड्रेस क्रिएट होते हैं किसी भी वेरिएबल के लिए सपोज फॉर एग्जांपल वेरिएबल नेम एज एक्स तो एक्स के रिस्पेक्ट में जस्ट एड्रेस क्या होंगे सेगमेंट एड्रेस कॉलन ऑफसेट एड्रेस क्लियर सिमिलरली अगर किसी भी वेरिएबल का अगर आपको ओनली सेगमेंट पार्ट एक्सेस करना है इसे डिस्प्ले कराना है देन आप यूज क्या करते हो परसेंट एफ पी जस्ट आपको किसी भी वेरिएबल का ओनली सेगमेंट एड्रेस रिक्वायर्ड है देन इसके इसमें कॉल क्या करोगे एफ पी अंडरस्कोर एस ई जी देन सप्लाई क्या करोगे पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस लिख दीजिए पर्टिकुलर मैक्रो फंक्शन आपको रिटर्न क्या करेगा ओनली सेगमेंट पार्ट इट विल रिटर्न ओनली सेगमेंट एड्रेस सिमिलरली सेकेंड केस में अगर आपको किसी वेरिएबल का ओनली ऑफसेट एड्रेस रिक्वायर्ड है तो इस केस में कॉल क्या कर सकते हो एफ वी अंडर स्कोर ओ एफ एफ मीन्स स्टैंड फॉर फार पॉइंटर ऑफसेट इस पर्टिकुलर मैक्रो फंक्शन से रिटर्न क्या हुआ ऑफसेट ऑफ गिवन एड्रेस जो भी आप एड्रेस दो हुए एड्रेस किस फॉर्म में सप्लाई करें इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर्स या पी क्या पी या पॉइंटर वेरिएबल वन बाई वन में दोनों ही एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा फर्स्ट वन इस केस में जिन मैक्रोज को यूज करने के लिए आपको इंक्लूड करना हुआ डॉस डॉट एच स्पेशली क्लियर सबसे पहले मैं फर्स्ट एग्जांपल का वर्किंग शो कर रहा हूँ फर्स्ट वन सबसे पहले क्रिएट हुआ वेरिएबल आई सपोज दैट वेरिएबल आई के रिस्पेक्ट में आई का इनिशियलाइजेशन किससे कराया 25 देन आई के रिस्पेक्ट में टू टाइप्स के एड्रेस क्रिएट होंगे सेगमेंट एड्रेस ऑफसेट एड्रेस अगर मैं आई का सेगमेंट एड्रेस कंसिडर करता हूँ लाइक 5A25 इन द फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल देन ऑफसेट एड्रेस मैंने कंसिडर किया जाए FF4 दिस इज द सेगमेंट एंड ऑफसेट पार्ट ऑफ वेरिएबल आई देन सेकेंड केस में जस्ट क्रिएट क्या हुआ फार पॉइंटर मीन्स पी के केस में फार पॉइंटर का साइज ऑलरेडी डिस्कस किया था ड्यूरिंग पॉइंटर्स फार पॉइंटर का साइज क्या रहता है फॉर एनी प्लेटफॉर्म इट विल टेक्स 4 bytes तो इस केस में जब पॉइंटर वेरिएबल एफ क्रिएट होगा सॉरी पी क्रिएट होगा पी के केस में कितने bytes से लोकेट होंगे 4 bytes इस ब्लॉक के मीन्स दिस इज द बिगिनिंग 2 bytes नेक्स्ट 2 bytes तो बिगिनिंग 2 bytes में कौन सा एड्रेस स्टोर होगा सेगमेंट पार्ट नेक्स्ट 2 bytes विल स्टोर ऑफसेट एड्रेस जैसे इस केस में आई का एड्रेस रन कराओ तो आई के रिस्पेक्ट में टू टाइप्स के एड्रेस अवेलेबल सेगमेंट और ऑफसेट तो सेगमेंट पार्ट किस प्लेस पर कॉपी हो जाएगा इन साइड सेगमेंट सेशन मीन्स फर्स्ट बिगिनिंग 2 bytes में कॉपी क्या हो जाएगा 5A25 क्लियर सेकंड केस में क्या आसान हो जाएगा एफ 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 4 क्लियर लाइक दैट मीन्स इस केस में जो भी मैंने एड्रेस राइट डाउन किया सेगमेंट और ऑफसेट ओनली एजम्पशन एंड नॉट अ एक्चुअल एड्रेस सिस्टम के थ्रू कोई भी एड्रेस हो सकता है एनी एड्रेस लेकिन जस्ट फॉर्मेट क्या रहेगा सेम नेक्स्ट वन इसके जस्ट बाद परसेंट एक्स से कोई वैल्यू डिस्प्ले किस फॉर्मेट में होगा इन द फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल वैल्यू और हेक्साडेसिमल फॉर्मेट देन व्हाट इज द आउटपुट ऑफ गिवन एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल के इसमें आउटपुट क्या प्रिंट हुआ फर्स्ट वन इस पर्टिकुलर मैक्रो फंक्शंस के अंदर सप्लाई क्या किया पॉइंटर वेरिएबल पी और पी सप्लाई करने का मतलब क्या इनडायरेक्टली आई का एड्रेस पास करना क्योंकि पी में क्या स्टोर है एड्रेस ऑफ आई और आई के केस में कौन सा एड्रेस स्टोर है सेगमेंट एड्रेस एज वेल एज ऑफसेट एड्रेस लेकिन एक करेंट मैक्रो फंक्शन ओनली रिटर्न क्या करेगा ओनली सेगमेंट पार्ट फ्रॉम आई तो आई के सॉरी सेगमेंट पार्ट ऑफ पॉइंटर पी पी के अंदर करंटली चेक कर लो सेगमेंट पार्ट में क्या स्टोर है 5A25 अगर रियल में सेम एड्रेस होता है इस केस में रिटर्न किया हुआ 5A25 दिस द फर्स्ट केस फर्स्ट परसेंट एक्स सेकेंड केस में अगेन सेम एड्रेस पास हुआ इन साइड एफ पी अंडरस्कोर ऑफसेट तो नेक्स्ट टाइम जब ऑफसेट में पास करो तो फिर से डिस्प्ले क्या हुआ इस केस में ओनली ऑफसेट पार्ट ऑफ पी ऑफसेट पार्ट क्या इसका एफ एफ 4 दिस इज द करेस्पॉन्डिंग आउटपुट ऑफ गिवन एग्जाम्पल मीन्स अगर आपके पास कोई भी हो कंप्लीट एड्रेस अवेलेबल है तो कंप्लीट एड्रेस से आपके लिए इस पर्टिकुलर सेगमेंट पार्ट भी एक्सेस करना पॉसिबल और ऑफसेट पार्ट भी एक्सेस करना पॉसिबल है यूजिंग मैक्रो फंक्शन सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल की जैसे डिस्कस किया वर्किंग ऑफ एम के एफ पी एम के स्टैंड फॉर मेक एफ पी स्टैंड फॉर फार पॉइंटर मेक फार
pointer. In that case, इसका just working क्या? Suppose that अगर आपके पास two separate variables में किसी variable का segment as well as offset available है, यानी segment और offset को अगर आप खुद से create करा रहे हो या किसी variable का segment और offset separately available उसको combine करना है, combine करके अगर आप for pointer generate करना चाहते हो तो use क्या करोगे? mk underscore fp. Check it. Again इस case में फिर से create क्या हुआ? Variable i. Variable i के respect में जैसे two types के address allocate होंगे segment एंड ऑफसेट. इनिशियल वैल्यू क्या 25, इस केस में इसका सेगमेंट एड्रेस मैं कंसीडर कर रहा हूं इस केस में 2f या 2a 5f लाइक दैट, कुछ भी हो सकता है इस केस में, जस्ट अजम्पशन. सेम एज ऑफसेट पार्ट इस केस में कंसीडर कर रहा हूं एज ff2 लाइक दैट. दिस इज द कंप्लीट एड्रेस ऑफ वेरिएबल i. सेकंड केस में क्रिएट किया हो रहा है पॉइंटर वेरिएबल p. पॉइंटर का टाइप क्या है? फार पॉइंटर. फार पॉइंटर के रिस्पेक्ट में p के लिए कितने बाइट्स एलोकेट होंगे? एग्जैक्टली 4 बाइट्स. इट विल टेक्स 4 बाइट्स. तो फर्स्ट बिगिनिंग 2 बाइट्स में क्या आसान हो जाएगा? इस केस में एड्रेस किसका आसान किया? i का. और i के पास टू टाइप्स के एड्रेस हैं, सेगमेंट और ऑफसेट. फर्स्ट 2 बाइट्स में क्या कॉपी होगा? सेगमेंट एड्रेस 2a 5f व्हाटएवर. सेम एज ऑफसेट पार्ट में क्या आसान होगा? f f f 2. क्लियर. नाउ p इज पॉइंटिंग दैट लोकेशन. इस लोकेशन का नेम क्या हो जाएगा? समथिंग स्टार p. नेक्स्ट वन. इसके अलावा टू एक्स्ट्रा वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं s एंड o. उनका टाइप क्या? अनसाइंड इंटीजर. क्योंकि जस्ट s और o में आसान क्या करना चाहते हैं? s में आसान कराएं सेगमेंट एड्रेस ऑफ i, o में आसान कराएंगे ऑफसेट एड्रेस ऑफ i. लेकिन एड्रेस किसी भी टाइप का हो, एड्रेस ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव नंबर. इसलिए टाइप के लिए इसका एज अ अनसाइंड. देन इस केस में टू सेपरेट वेरिएबल्स क्रिएट हो रहा है. s s का साइज क्या रहेगा? 2 बाइट्स इन केस ऑफ 16 बिट सी कंपाइलर. o का भी साइज क्या रहेगा? आल्सो 2 बाइट्स. देन फर्स्ट केस में कॉल क्या किया है? fp अंडरस्कोर s इज मींस फार पॉइंटर सेगमेंट. इट विल रिटर्न सेगमेंट एड्रेस ऑफ गिवन पॉइंटर p. p पास करो तो p के अंदर सेगमेंट पार्ट क्या? 2a 5f. फाइनली इस फंक्शन से रिटर्न क्या होगा? करेस्पॉन्डिंग एड्रेस 2a 5f प्लस ये आसानी किस में जाएगा? वेरिएबल s में. तो s में सेपरेटली क्या स्टोर होगा? 2a 5f. नेक्स्ट वन सेम एज सेकंड केस. इस केस में रिटर्न क्या हुआ? ऑफसेट पार्ट ऑफ पॉइंटर p. पॉइंटर p के केस में ऑफसेट पार्ट क्या है? f f 2. देन सेम एड्रेस अगेन कॉपी हो जाए इनसाइड वेरिएबल o f f f 2. क्लियर. नेक्स्ट वन मींस अब आपके पास जैसे पर्टिकुलर वेरिएबल i का सेगमेंट और ऑफसेट सेपरेट वेरिएबल्स में अवेलेबल है. बट सपोज दैट अगर आपके पास सेगमेंट और ऑफसेट सेपरेट वेरिएबल्स में अवेलेबल है, इनको कंबाइन करोगे तो कंबाइन करने के लिए आप यूज कर सकते हो प्री डिफाइंड मैक्रो फंक्शन mk अंडरस्कोर fp. इस केस में पास क्या किया है? s कॉमा o. तो इस केस में इस फंक्शन का वर्किंग क्या है? ये दोनों ही एड्रेसेस को कंबाइंड करके फाइनली इस प्लेस पर रिटर्न क्या करेगा? कंप्लीट एड्रेस. कंप्लीट एड्रेस क्या रिटर्न हुआ इस केस में? 2a 5f सेम एज कॉलन f f f 2 प्लस सेम एड्रेस डिस्प्ले हो जाएगा बाई यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफाई परसेंट fp. तो इस केस में आउटपुट क्या डिस्प्ले हुआ? सेम जनरेटेड एड्रेस 2a 5f कॉलन f f 2. दिस इज द आउटपुट ऑफ गिवन कोड.